नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं, आज इस उपाय के बारे में हम बात करेंगे। इस उपाय को करने से आपके जीवन से कल है तो हमेशा के लिए ही मिट जाएगा और साथ ही जो आपके जीवन में पैसे से संबंधित समस्याएं हैं वे भी समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। लक्ष्मी का वास यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे आपकी कभी तिजोरी खाली है, आपके पर्स में पैसे नहीं है, कभी पैसा टिकता नहीं है। आपके घर में तिजोरी में हमेशा और आपके पर्स में हमेशा पैसे टिकने लगेंगे। आपका चंद्र, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल इस क्रिया को करने से मजबूत होता है और यह सभी ग्रह कारक होते हैं कि आपके जीवन में आपको कामयाबी, सुख संपत्ति, मान सम्मान, धन लक्ष्मी और वैभव आदि की कामना को पूरा करें। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन में आप इन सभी ग्रहों को मजबूत तो कर ही पाएंगे, साथ ही अपने जीवन में एक सुखमय जीवन भी जी पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिख दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। दोस्तों जो आप अपने घर की रसोई में आटा गूंथते हैं इसका सीधा संबंध सूर्य ग्रह से है और सूर्य ग्रह जब किसी व्यक्ति का मजबूत होता है तो उसका सीधा संबंध आपके मान सम्मान और कामयाबी से होता है। और जब किसी व्यक्ति का दिमाग शांत हो, सही ठिकाने पर हो और जेब में पैसा हो तो उसे मान सम्मान की प्राप्ति तो होगी ही। यह तो बहुत ही आम सी बात है, इसे हर कोई जानता है। दोस्तों आपको हम एक बार फिर बता दें कि अगर आप इस उपाय को हर रोज करते हैं तो आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जीवन में आपके पास पैसा टिके नहीं, आपका पर्स खाली रहे या फिर आपकी तिजोरी खाली रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमने आपको बताया कि गेहूं का आटा जो आप अपने घर में मलते हैं इसका सीधा असर, सीधा ताल्लुक आपके सूर्य ग्रह से होता है। दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में आटा गूंथते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अक्सर ये गलती तो नहीं करते कि जिस प्रकार से आटा गूंथ लेने के बाद आप उसे गोल गोल बना करके रख देते हैं, ऐसा आप हरगिज भी ना करें। क्योंकि दोस्तों आपने ध्यान दिया हो कि जब भी किसी पितरों के पिंड भरे जाते हैं तो इस प्रकार का आटा वहां लगाया जाता है और जब भी कभी माता की या फिर किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो वहां पर हम अपने हाथ का छापा लगा करके फिर उनकी पूजा करते हैं। यानी कि जब भी आप आटा गूंथ लें, आटा गूंथ लेने के बाद आप उसके ऊपर अपनी हाथ का छापा, अपनी उंगलियों का छापा अवश्य लगाएं। इस प्रकार के छापे को कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी भी तोड़ नहीं पाती है। तो आप इस प्रकार से आटा गूंदे और आटा गूंथ लेने के बाद उस पर आप कभी उसे चिकना ना रखें बल्कि उसके ऊपर आप अपनी उंगलियों के छापे छोड़ दें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आटा गूंथते समय आपको उस आटे में क्या मिलाना है। आपको उस आटे में 5 बूंद घी की और 5 से 11 दाने आपको चीनी के अवश्य मिला लेने हैं और उसके बाद आप जब आटा गूंद लें, और इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी जो घर की पहली रोटी बनाएंगे उसे आप गाय को देंगे और जो अंतिम रोटी होगी उसे आप एक कुत्ते को देंगे। कुत्ता अगर काले रंग का हो तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है काले रंग का कुत्ता तो आप किसी भी प्रकार के कुत्ते को अवश्य दें, लेकिन घर की अंतिम रोटी कुत्ते को और घर की पहली रोटी आप गाय को अवश्य खिलाएं। क्योंकि दोस्तों आपने इस आटे में घी और चीनी मिलाई है तो और अपने आपने आटे के ऊपर अपनी उंगलियों की छाप दी है तो यह आटा और इस आटे से बनी हुई आपकी रोटी आपके सभी देवी देवताओं को और पितरों के लिए जाती है और वे लोग इसे स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः आपके घरेलू और एक शुद्ध और स्वीकरणीय रोटी बनती है। आप दोस्तों इस उपाय को करें, प्रतिदिन करें तो आपके जीवन में आपको बदलाव पहले ही दिन से देखने लगेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।